नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आपका मेरे YouTube चैनल Fearless GS Facts पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, BPSC के मद्देनजर जो आज का सेशन है वो उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिर्फ हम बिहार के बारे में आपको हम स्पेसिफिक फैक्ट्स आज बताएंगे। आज का जो वीडियो है बड़ा शॉर्ट है और मुझे जहां तक लगता है कि आज सब व्यक्ति को, जो भी बिहार के लोग हैं, जो भी देख रहे होंगे, सबको देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की हुए। हेडिंग है हमारा बिहार। हमने इसमें तीन पार्ट बना भी चुका है, आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ठीक है। और बहुत ही साधारण तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ज्ञान स्पेशल देता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज देता हूँ, ठीक है आपका। बिल्कुल ये जो अगर मेरा जो भी पार्ट्स बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो बिहार स्पेशल पे ही हम बना रहे हैं सिर्फ। तो आपको क्वेश्चंस बीपीएससी में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बिना देर से लटके हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सारे फैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट हमारा ये है कि बिहार की स्थापना दिवस, बिहार कब स्थापना हुआ था? 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912। दूसरा फैक्ट है, बिहार से दो स्टेट्स अलग हुए थे, जैसा कि आपको पता होगा, ओडिशा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को और झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि को अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने बता दी आपको रखा है, फिर मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूं, क्योंकि आज हम सिर्फ फैक्ट्स लिखेंगे बिहार के बारे में। इसकी जो एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, ओके। और पूरे संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% को क्या करता है, कवरेज करता है। आप इस चीज को लिख भी सकते हैं, पूरे भारत का क्षेत्रफल का, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 2.86% है, ओके। आप इसको सिमिलर करके 3% भी कर सकते हो, ठीक है, ये इससे सिमिलर कन्वर्जेंस हो जाएगा लगभग, या राउंड ऑफ करके। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, बिहार की पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार की जनसंख्या लगभग अभी 13 करोड़ है, 13 करोड़। जो बिहार की जनसंख्या, बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, प्रदेश मतलब प्रांत यानी राज्य है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो बिहार की जो प्रतिशतता है वो 8.6% है, यानी पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% पार्ट कौन सा है, बिहार है। अगर इसको भी हम अगर राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 9%। अब आप देख सकते हैं मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कि बिहार की इसका रेशियो निकालिए, ये हो गया एरिया, ये हो गया पॉपुलेशन। एरिया मान लेते हैं 3%, पॉपुलेशन मान लेते हैं 9%, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल वर्ड हो जाएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे। और 3 1 3 3 3 9, तो क्या हुआ 1:3 का मतलब क्या हुआ, यानी एक एरिया पे 3 लोग रहते हैं। तो आप मुझसे बताइए कि बिहार की गरीबी का एक मुख्य कारण ये भी है। हम कहते हैं आज भी देखिएगा पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार है। सबसे अशिक्षित राज्य कौन सा है, बिहार है। मैं मानता हूं कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, परंतु इन सब के बावजूद भी बिहार अगर आज गरीबी की चपेट में है तो इसका मुख्य कारण एक, जनसंख्या भी है वहां की। संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें, संपूर्ण भारत की गरीबी की बात करें तो एक, क्षेत्रफल का अभाव रहा है और जनसंख्या का ज्यादा रहा है। 140 करोड़ देश की आबादी है और इसी साल नवंबर महीने में, 2023 में अभी हम चल रहे हैं, इसी साल नवंबर महीने में ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिपोर्ट दिया है कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो चीन को पीछे कर देगी। तो इस हिसाब से अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो ये हमारे सामाजिक कैंसर का रूप है, ठीक है ना। खैर, तो हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट्स है, आप समझेंगे बिहार में कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, जिले कितने हैं, जिलों की संख्या। मैं हिंदी में ही लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिलों की संख्या, जब बिहार 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, जब बिहार का गठन हुआ था, सॉरी, जब बिहार का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, क्योंकि झारखंड अलग एक दक्षिण भाग से अलग एक प्रदेश बना था, तो उस वक्त, उसके बाद उस वक्त बिहार में 37 जिले हुआ करते थे,
और एक जिले 38वां जिला बिहार का 20 अगस्त 2001 ईस्वी को जहानाबाद बना, ठीक है, जहानाबाद से अरवल बना, अरवल जिला बना, बिहार का 38वां जिला अरवल है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि बिहार में कितने जिले हैं, 38। और मैंने पिछले भी वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, बिहार पार्ट 3 में दिया होगा या पार्ट 2 में, मैंने इसको डिस्कस किया है कि हमारे बिहार में जितने भी 38 जिले हैं उस जिलों को किस कौन से कमिश्नरी में इसको कैटेगराइज किया गया है, किस कमिश्नरी में कितने जिले हैं, वो हमने इस पे वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमंडलों की संख्या यानी नंबर ऑफ कमिश्नरीज। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, 38 प्रमंडल है, सॉरी 9 प्रमंडल है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, दरभंगा, छपरा, गया, पूर्णिया, ये 9 प्रमंडल है। और इस 9 प्रमंडल में अलग अलग जिले हैं, जैसे मैं आपको ब्रीफली बता दूं, पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में 6-6 जिले आते हैं, तो 6×18 ऐसे ही हो गया आपके। सारण में 3 आते हैं, कोसी प्रमंडल में भी 3 आते हैं, दरभंगा में भी 3 आते हैं, मगध प्रमंडल में 5 आते हैं, पूर्णिया में 4 आते हैं, भागलपुर में 2 आते हैं, भागलपुर बांका। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कुल 38 जिले होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुमंडलों की संख्या, अनुमंडल मतलब सब डिवीजन, ठीक है। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या 101 है। जैसे हर जिले में क्या होता है, अनुमंडल होगा, एक जिला कई अनुमंडलों से मिलकर बनता है। इसके बाद प्रखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, पुलिस स्टेशन जिसे बोलते हैं, ये है 534। कितने ब्लॉक्स हैं पूरे बिहार में, 534, 534 ब्लॉक्स हैं। और इसी में अगला फैक्ट आपका बन जाएगा पंचायतों की संख्या, पंचायतों की संख्या कर लेते हैं पहले। अभी 2021 में जो हुआ था पंचायती चुनाव, उसमें 8,387 पंचायतों में हुए थे। टोटल बिहार में जो पंचायतें हैं 8,387 पंचायत, 8,387। और यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। नेक्स्ट है आपका नगर निगम की संख्या, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिहार में नगर निगमों की संख्या 18 हुआ करती थी, लेकिन अब 19 हो गया। 19वां नगर निगम सहरसा को बनाया गया है, 18वां पहले सीतामढ़ी था। तो ये बिहार के बारे में कुछ फैक्ट्स रहे। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए बिहार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार डे। एक पहला पॉइंट ये भी हुआ, बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% इस पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। अब यहां पर सवाल यह पैदा होगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, जो बिहार का उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है। तो यहां पे लिखेंगे सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण। दो चंपारण है, एक वेस्टर्न चंपारण है और एक ईस्टर्न चंपारण है। आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा इतिहास में कि गांधी जी चंपारण मूवमेंट के थे, 1917 ईस्वी में पढ़ा होगा ना, तो वो ईस्टर्न चंपारण मोतिहारी उसका मुख्यालय है, और वेस्टर्न चंपारण का मुख्यालय बेतिया है। वेस्टर्न चंपारण जो है वो नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर बनाता है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बॉर्डर पे भी हमारा आ चुका है वीडियो, आप देख सकते हैं। सबसे छोटा जिला, अगर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है आपका शिवहर। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इसकी क्षेत्रफल है 444 वर्ग किलोमीटर, आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 444 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 5,228 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें
तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा वो पटना हो जाएगा। पटना बिहार की राजधानी है, जिसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर भी कहा जाता है। और पटना जिला की अगर हम बात करें तो पटना जिला बिहार के 9 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा संबंध स्थापित करता है, ठीक है। और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शेखपुरा। शेखपुरा ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्ट्स हमने अभी आपको बता रहे हैं, इन सब चीजों को आप लिखिए और इसको अपने मन में अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपको आ सकता है। और एक बिहार के सशक्त नागरिक होने के नाते ये आपका दायित्व बनता है कि आप इन सब चीजों को, ये जो सरकारी डेटा है उस डेटा को आप याद रखें, ठीक है। और आपको जानकारी होना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट्स के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी। चलिए और हम कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। देखिए बिहार की जो समस्या है, बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है बिहार में, खासकर बिहार के संदर्भ में, तो वहां की जातिगत समस्या है। अब वहां की जातिगत समस्या क्यों है, हावी क्यों है वहां पे जातिगत समस्या, तो इसका मुख्य कारण क्या है, शिक्षा के प्रभाव, एजुकेशन इंपैक्ट। आपको यह बात पता भी होगा एक तथ्य के रूप में कि पूरे भारत में अगर साक्षरता दर को देखा जाए तो उसमें बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, निचले पायदान पे है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है वो 61.8% है, यानी 61.8%। तो जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेसी रेट्स ऑफ बिहार, बिहार लिटरेसी रेट, बिहार की साक्षरता दर। बिहार की साक्षरता दर क्या है, देखिए साक्षरता दर कैसे कहते किसको है, ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज लिटरेसी रेट। साक्षरता दर ये माना गया है कि 6 वर्ष या 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे वो अपना नाम लिखना पढ़ना जान ले या किसी भी एक भाषा का ज्ञान हो, चाहे वो अपने मातृभाषा का या फिर वो हिंदी का या इंग्लिश का या संस्कृत का, कोई भी भाषा का, 6 वर्ष या 6 वर्ष से ऊपर के कोई भी बच्चे, या 7 वर्ष मान लीजिए, 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे, अगर इनको एक भी भाषा का जानकारी हो तो वो लिटरेट माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसकी लिटरेसी रेट। तो बिहार की साक्षरता दर 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार सबसे कम है और इसकी जो साक्षरता दर है वो 61.8% है। ये थोड़ा सा सोचनीय बात है, लेकिन आज भी देश में यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईआईटी का एग्जाम होता है, नीट की एग्जाम होता है, या कोई भी एग्जाम होता है एनडीए का, सीडीएस का, तो हर 2-3 साल पे आप देखेंगे तो टॉपर रैंक बिहार का रहता है, ये पूरे भारत स्तर नेशनल लेवल पे। आखिर तो ये चीज इसके पीछे बहुत रीजन है, लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी को। 61.8% साक्षरता दर बिहार की। इसमें भी अगर आप देखेंगे, मैं मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर दूं, क्वेश्चन पूछ देता है पीबीएससी कि मेल, अभी पिछले बार 2021-2022 में जो एग्जाम हुआ था, पिछले साल 2021 वाला 67वीं बीपीएससी का, तो उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कि महिला साक्षरता दर क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट। तो क्वेश्चन पूछ देगा जो मेल मेल लिटरेसी रेट है वो 71.5% है। इसमें ये टोटल, ये तो ओवरऑल हो गया 61.8%, लेकिन इसी में भी अगर आप पूछेगा कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, मेल लिटरेसी रेट क्या है, तो 71.5% और फीमेल, महिला, फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, तो वो है 51.5%। लगाना शॉकिंग। और इसमें भी बिहार के साक्षरता दर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा लोग साक्षर है, तो उस जिला का नाम है सासाराम रोहतास, जो पटना कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। यह भी लिखेंगे जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वह है सासाराम, जिसको रोहतास कहते हैं। यह बिहार का सबसे प्रमुख जिला है, ठीक है। साक्षरता दर यहां के, यहां पे ज्यादा है, भोजपुर मंडल में आते हैं ये।
उसके बाद और इनकी भी अगर हम बात करें सासाराम के बारे में, तो ये उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और लिस्ट डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें कि बिहार का सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जो जिला है, यानी सबसे ज्यादा जो कम लोग वहां के साक्षर हैं, तो उसमें दो आते हैं, एक सहरसा भी आएगा। सहरसा में क्या है कि यहां के महिलाएं कम, फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ही लो है, फीमेल लिटरेसी रेट वेरी लो, वेरी लोएस्ट अमंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। लेकिन अगर आप फीमेल को छोड़कर के मेल में जाएंगे तो उसमें आपका आ जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया में क्या है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं मेल में, यहां पे है मेल लिटरेसी रेट, आप ये भी लिख सकते हैं मेल लिटरेसी रेट। ओके, तो ये साक्षरता दर से क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है। अब जनसंख्या की अगर बात हमने कर दिया है और क्षेत्रफल की भी हमने बात कर दिया, साक्षरता दर लिटरेसी रेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। हमारा बाबू चैनल है, मैं आपको बता दूं मेरा चैनल का नाम है फियरलेस जीएस फैक्ट्स। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, ये बस यू समझिए कि मैं अपना एक पढ़ाता हूं, और ये मेरा बिल्कुल ही एक, मैं ये चीज मानकर नहीं चलता हूं कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े, हमें पैसा मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आप, आपको अगर अच्छा लगे तो देखिए, और हम जो पढ़ाते हैं तो बिल्कुल हमने ज्ञान को धारण किया है, हमने खुद किताब पढ़ा है और खुद तैयारी भी करता हूं, बीपीएससी का ही नहीं, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, भारत के संपूर्ण हर राज्यों पर हमारा एक समान पकड़ है। ठीक है, तो हम हर जैसे जैसे जो स्टेट्स आएगा वैसे ऐसे वीडियोस बनाएंगे। अब हम मध्य प्रदेश में भी बनाएंगे, बहुत ही नजदीक में हम मध्य प्रदेश में भी हम पार्ट्स लाएंगे, क्योंकि इसका भी एग्जाम है मई में। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हिंदी में से बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होगा पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करने का, टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, अपॉन टोटल एरिया। किसी भी राज्य का या किसी भी जिला का या किसी भी देश का अगर आपको जनसंख्या घनत्व अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, उसकी टोटल जनसंख्या को टोटल एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। या मैंने कुछ टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर दीजिए, सॉरी टोटल एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो यहां पे एक क्वेश्चन बना कि पॉपुलेशन डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो बिहार। राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें 2011 के जनगणना अनुसार, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, और यहां पे कितना है 1106। याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जाहिर सी बात है पटना, क्योंकि पटना क्या है, बिहार की राजधानी है, वहां पे लोग कमाने खाने के लिए जाते हैं, ठीक है, रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे बॉय वहां पे पढ़ने के लिए भी जाते हैं, तो जनसंख्या वहां पे ज्यादा है। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे सबसे बड़ा जिला पटना शहरी में हो सकता है, लेकिन अगर जिले के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शिवहर हो जाएगा, माफ कीजिएगा मैं लिख देता हूं, सबसे बड़ा जिला बिहार का पटना नहीं होगा, पटना शहरी क्षेत्र में होगा, लेकिन पूरे ओवरऑल जिला की अगर बात करेंगे तो शिवहर हो जाएगा। शिवहर से याद आया मुझे
कि ये बिहार का सबसे छोटा जिला है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी एरिया है 444 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा वो आपका, आपने नाम सुना होगा, कैमूर भभुआ। यहां ये कैमूर भभुआ पश्चिमी बिहार में आता है, जो यूपी के साथ बॉर्डर स्टैब्लिश करता है, और ये जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला है। एक दो पॉइंट्स में और डील कर लेता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो किशनगंज, ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। किशनगंज ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर स्टैब्लिश करते हैं और नेपाल के साथ भी, सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा यानी रेनफॉल बिहार में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो किशनगंज में होती है। यहां के कुछ पार्टों में चाय की खेती भी होती है, ठीक है। और बिहार में सबसे ज्यादा तापमान यानी सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी वो कौन से जिले में होती है, गया में। सबसे ज्यादा तापमान टेम्परेचर, सबसे ज्यादा तापमान व सबसे ज्यादा ठंडी, ये दोनों कोल्डनेस वो दोनों गया में आते हैं। गया मगध कमिश्नरी, गया कमिश्नरी में पांच जिले आते हैं, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, ठीक है। तो ये बिहार के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, और बिहार के बारे में फैक्ट्स और आपको मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है कि और कुछ फैक्ट्स यहां से बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये चौथा पार्ट जो अभी बनकर तैयार हुआ है, इन तीनों चारों पार्ट्स को अगर आप जब अच्छे से स्टडी करेंगे, कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तो बिहार स्पेशल से लगभग 15-20 क्वेश्चन तो आपको यू ही बन जाएंगे। लेकिन आप एक बार जिलावार अध्ययन कर लीजिएगा कि बिहार के 3800 जिला के बारे में आपको स्टडी करना, थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहना चाहिए, और उसके बाद बिहार की नदियां, बिहार की मिट्टी, बिहार के वन, जल, जंगल, जमीन पे भी हम वीडियो लाएंगे, बिल्कुल। नमस्कार, मैं दीपक मिश्रा, आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल Fearless GS Facts, और हम फिर से हम अगले पार्ट बिहार के पांचवें पार्ट में हम लाने की, बहुत ही जल्द मेरा वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।